नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी पुलिस को जाली करेंसी के मामले में लगी एक और सफलता हाथ, एक युवक कंप्यूटर व प्रिंटर सहित गिरफ्तार। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने कसी कमर, रामस्वरूप शर्मा ने ठोका दावा, लोकसभा चुनाव में यूपीए का होगा सुपड़ा साफ। रूसा के चलते एबीवीपी ने किया सांकेतिक अनशन, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ किया रोष प्रकट। और भारी बारिश के चलते प्रदेश में हर जगह आफत, लाखों का नुकसान, लोगों ने की मदद की गुहार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जाली करेंसी से जुड़ी खबर की। 15 जुलाई को जंजैहली में जाली नोटों की करेंसी पुलिस के हाथ लगी थी, जिसमें पुलिस ने दो युवकों सहित 36,500 रुपए के नकली नोट अपने कब्जे में लिए थे। अब उस मामले में मंडी पुलिस ने छानबीन को और भी तेज कर दिया और पुलिस के हाथ एक और सफलता हाथ लगी। मंडी पुलिस ने सोलन जिला के नौणी से एक युवक सुमित को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक कंप्यूटर सहित एक प्रिंटर भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। मंडी पुलिस ने सोलन जिले के नौणी स्थित सुमित नाम के एक युवक को उसकी दुकान से गिरफ्तार किया। जंजैहली पुलिस थाना मंडी के 5 सदस्यीय पुलिस ने सोलन के कोटला नाला स्थित थाना में अपने आने की जानकारी दर्ज करवाई व सोलन पुलिस के साथ अपने मिशन के लिए नौणी पहुंचे, जहां जोगिंदर नामक व्यक्ति की एक दुकान से युवक सहित एक कंप्यूटर व प्रिंटर अपने कब्जे में लेकर मंडी के लिए रवाना हुए। उधर सोलन थाना प्रभारी अनिल धोल्टा ने बताया कि मंडी पुलिस की टीम विगत शाम सोलन आई व आने की जानकारी सोलन थाना में दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि मंडी पुलिस के अधिकारियों ने उनसे पुलिस सहायता की मांग की, जिसके तहत उन्हें पुलिस सहायता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि अपने मिशन को पूरा करने के बाद टीम मंडी रवाना हो गई। 9 बजे पुलिस चौकी जंजैहली से चौकी इंचार्ज एसआई जी सिंह यहाँ आए थे, जिन्होंने जो अपने किसी केस के मुकदमे की तफ्तीश के लिए आए थे और मुझसे उस केस के लिए असिस्टेंस मांगी थी, जो आज सुबह मैंने उनके साथ थाने से एक कांस्टेबल भेजा था, जो अपनी वो मुकदमे की तफ्तीश करके वापस चले गए। जानकारी उन्होंने जंजैहली में कोई शायद जाली नोट उन्होंने करेंसी पकड़ी थी, जो इस सिलसिले में आए थे और यहाँ से वो एक प्रिंटर और एक किसी शायद कोई कंप्यूटर को लेकर वो सील करके चले गए हैं और साथ में एक आदमी को भी रेस्ट करके गए। बताया जा रहा है कि मंडी में पकड़े गए नकली नोट छापने वाले गिरोह के तार सोलन से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पूर्व सोलन के ही डमरोग गांव के एक युवक तरुण व बिलासपुर के अमित को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो सोलन के एक निजी संस्थान में पढ़ रहे थे। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार करने से पहले नौणी में इन युवकों से पुलिस ने जाली नोटों को बनाने की पूरी जानकारी हासिल की, लेकिन इन जाली नोटों को यह गिरोह कहां इस्तेमाल करने जा रहा था, इसका पता तफ्तीश के बाद ही लग पाएगा। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। भले ही लोकसभा के चुनावों के लिए अभी वक्त हो, लेकिन भाजपा इन चुनावों को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई है। भाजपा द्वारा जहां सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, वहीं बैठकों का दौर भी जारी कर दिया गया है और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह भरा जा रहा है। मंडी में भी भाजपा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें रामस्वरूप शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोकसभा चुनाव भले ही 2014 में होने हो, लेकिन भाजपा ने केंद्र से यूपीए सरकार को दिल्ली से बाहर फेंकने के लिए अभी से ही रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। मंडी में भी बीजेपी की बैठकों का दौर जारी हो गया है। वीरवार को बैठक में रामस्वरूप शर्मा ने जहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति बनाई, वहीं रामस्वरूप शर्मा ने यूपीए सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने की भी बात कही। मतदान केंद्र में जो अपने वोटर हैं, पार्टी की अपनी जो टोली है, एक बार मिलकर चिंतन करें कि हमारा सभी वोटरों से सीधा संपर्क हो, ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी को बढ़ दें। इस तरह के 4-5 जो कार्यक्रम तय किए थे, उसके निमित्त आज बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आज विश्वास के साथ कहती है कि जब भी पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार खड़ी है। हम इस यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में जो वातावरण बना है,
जहाँ नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता के रूप में आज पूरे देश का नेतृत्व करने वाले हैं, पूरा देश आज उनके पीछे खड़ा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में चाहे मंडी सदर में भी जब भी पार्लियामेंट का चुनाव होगा अपना मंडल सक्षम और पूरे तैयारी के साथ इस कांग्रेस का इस यूपीए सरकार का सामना। गौर है कि 2014 में लोकसभा चुनाव होने तय है, जिसको लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और दावा भी ठोक रहे हैं कि अब यूपीए सरकार का खेल खत्म हो गया है और अब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन यह तो वक्त ही तय करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार सत्ता हासिल करती है। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ विजय की रिपोर्ट। मंडी कॉलेज में एबीवीपी द्वारा एक दिन के सांकेतिक अनशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आपको बता दें कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी द्वारा जो रूसा के तहत एडमिशन करवाई गई है, उसके लिए छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये अनशन इसी के मद्देनजर था। इस मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ता ने बताया कि रूसा के तहत जहां छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसकी मार गरीब जनता पर भी पड़ रही है, क्योंकि गरीब अपने बच्चों को अलग अलग कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। ये रूसा सिस्टम जो अप्लाई हुआ है, उसकी वजह से जो हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पसंद के जो सब्जेक्ट से वो पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकती, कम से कम इसमें जो कमियां हैं उस पूरी कर सकती है, और जिसकी वजह से आप देख ही रहेंगे कि एक ही घर के तीन तीन बच्चों को अलग अलग कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो उतना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं कि तीनों बच्चों को कहाँ कहाँ पढ़ाया जाए, किस तरह से उनका खर्चा पूरा किया जाए। अंकित ने बताया कि रूसा के खिलाफ वह जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, वहीं अब छात्रों में विश्वविद्यालय की तानाशाही नीति के प्रति रोष भी देखने को मिल रहा है। अंकित ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांग नहीं मानती तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए आमादा हो जाएंगे। अभी तो हम ये जो सांकेतिक भूख हड़ताल है वो 18/7/2013 से लेकर 19/7/2013 तक चलती रहेगी और 19 को ये ख़त्म हो जाएगी। अगर हमें इसका समय पर फीडबैक नहीं मिलता तो हम तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी करेगा। आपको बता दें कि मंडी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और आम छात्रों में प्रशासन के प्रति खासा रोष व्याप्त है, क्योंकि रूसा के तहत छात्र ना ही अपनी पसंद के विषय पढ़ पा रहे हैं और ना ही उन्हें दाखिले सही तरीके से मिल पाए। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट मोबाइल रिपेयर
और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीख कर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्बो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर मंडी। द न्यू फोर्स फॉर अ न्यू इंडिया। एक और जहां मंडी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन का सांकेतिक अनशन किया, वहीं चैलचौक के बासा कॉलेज में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अनशन का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति खासा रोष देखने को मिला। अनशन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय से मांग की है कि रूसा एक्ट को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, प्रणाली को बंद करना अथवा या फिर इसमें परिवर्तन करना है, क्योंकि रूसा प्रणाली में कुछ खामियां हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा का इसमें अभाव है, खेलकूद का भी अभाव है। तो इसके लिए हम मांग करते हैं प्रधानाचार्य जी से भी और महाविद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं उनसे मांग करते हैं कि इसमें परिवर्तन किया जाए। तथा आज के दिन कार्यकर्ताओं ने और मांगे भी रखी हैं, जैसे NCC की मांग, पानी की व्यवस्था की मांग और हॉस्टल को सुधारने की मांग भी रखी है। तो हम यही चाहते हैं कि इस बासा कॉलेज में जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें वो करें। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो भूखताल पे बैठे हैं। जय हिंद, जय श्री राम। वहीं कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही कॉलेज में छात्रों को NCC की सुविधा भी मुहैया करवाई जाए। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को चेताया कि जल्द रूसा एक्ट में बदलाव नहीं लाया गया तो वह आंदोलन करेंगे। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को चेताया कि जल्द रूसा के एक्ट में बदलाव लाया जाए ताकि छात्रों को दिक्कतें पेश न आए। अभी हमारा आज तक 12-13 वर्षों में बासा कॉलेज में हम लोगों ने किया है, तो उसमें हमारा भूख हड़ताल के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को, भारत सरकार को, हम अपने प्रदेश सरकार को दिखाना चाहते हैं कि बासा कॉलेज के अलावा और सभी महाविद्यालयों में जो है बच्चों को जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन जो है सोचे और जो बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रहे हैं उनको कम से कम पढ़ाई करने के लिए प्रवेश मिले। के न्यूज़ के लिए चैलचौक से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर SSB गुरिल्ला संगठन एक बार फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गया है। इतना ही नहीं, संगठन ने चेतावनी भरे लहजे में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी मांगों को यदि 2014 से पहले नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन का रास्ता इख्तियार करने पर यह संगठन मजबूर होगा, जिसका परिणाम 2014 में आने वाले लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। 5.5 वर्षों से संघर्षरत गुरिल्लाओं ने मांग किया है, अगर केंद्र सरकार गुरिल्लाओं के इस लंबित मामले को जल्दी पूरा नहीं करती है तो संगठन का अपना जो धरने प्रदर्शन है उसको लगातार जारी रखेगी और उग्र रूप में अपना प्रदर्शन करने पे सरकार मजबूर न करें संगठन को। नेता सूची जो है तो कोर्ट के माध्यम से जो है तो गृह मंत्रालय भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। संगठन का प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ ही 1-2 दिनों में कैबिनेट के मंत्रियों से मिलने जा रहा है, तो संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सर्कल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, राज्य कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ से दिल्ली में जाएंगे और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे अपनी मांगों को उठाएंगे और अवगत करवाएंगे
कि 2014 से पहले पहले गुरिल्लाओं के लंबित मामलों को पूरा कर दें, अन्यथा संगठन को दोबारा जो प्रदर्शन अभी हाल ही के दिनों में किए हैं उसे उग्र प्रदर्शन करने में मजबूर न करें केंद्र सरकार। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी शिमला एंड अप्रूव्ड बाय HP गवर्नमेंट एंड NCTE। फर्स्ट BEd कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश, एक्रेडिटेड बाय NAC। एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर प्रोग्राम BEd 200 सीट्स, BBA 50 सीट्स, BCA 60 सीट्स एंड PGDCA 60 सीट्स। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड JBT कोर्स विद द इनटेक ऑफ 50 सीट्स, एफिलेटेड विद HP बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन धर्मशाला। फैसिलिटीज हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड मल्टीपर्पज हॉल, लैंग्वेज, साइंस, फिजिकल साइंस, ET एंड सोशल साइंस लैब, कंप्यूटर लैब विद द 24/7 इंटरनेट फैसिलिटी, सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, NH21 अपोजिट ESIC मेडिकल कॉलेज, नियर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब रुक करते हैं हमीरपुर का। हमीरपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक बुधवार की रात शहर के बीचों बीच स्थित एक स्टेलपोश मकान में आग लग गई, जिसमें 7 कमरे जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगजनी में तकरीबन 20 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। हमीरपुर बाजार में पुलिस स्टेशन के सामने वाली दुकानों के साथ लगते रिहायशी स्लेट पोश मकान व सामान रखने के लिए कमरों में अचानक रात के करीब 11:30 बजे आग लगने से खलबली मच गई। हालांकि जब आग की घटना घटित हुई तब घर के अंदर कुछ परिवार अपने बच्चों सहित आराम से सो रहे थे, लेकिन जैसे ही एक परिवार के सदस्य रमेश को लगा कि छत से कुछ नीचे गिर रहा था तो उसने जल्दी से अपने साथ सोए हुए बच्चे और बीवी को जगाया और बाहर की ओर भेजा और शोर मचाया जिससे आसपास के पड़ोसी भी जाग गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया। मौके पर पहुंची 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी आग बुझाने में कड़ी मशक्कत की और आग पर करीब 2:30 बजे काबू पाया गया। तो छत चढ़ गई है, अंदर हमारे पोस्टर वगैरह थे, फ्रेमिंग था, जो फ्रेमिंग काम करते हैं वो भी अंदर रखी हुई, वो सारी ख़राब हुई है, और बाकी जो कैलेंडर वगैरह थे वो भी सारे ख़राब हो चुके हैं पानी की वजह से। और हमें रात को कोई 11:30 बजे फ़ोन किया, उन्होंने उसके बाद ही हमें पता लगा कि आग गई, और हम घर में थे तो हमारे तो यहाँ लग चुकी थी उस टाइम। रात को 12:15 बजे मैंने उधर से आग आती देखी इस तरह को, और जब मैं उठा तो मैंने पहले अपनी लड़की को जगाया, उसको फटाफट बाहर निकाला, उसके 10 मिनट बाद सारे कमरे में आग ही आग हो गई, और मेरा सारा सामान अंदर बाहर जो भी है, TV, कंप्यूटर, फ्रिज, अलमारी, गहने वगैरह सब कुछ जल गया। वहीं मौके पर पहुंचे SDM हमीरपुर सतीश कुमार ने घटना स्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों के सदस्यों को 5,000 फौरी राहत प्रदान की। गौरतलब है कि आगजनी की घटना से 4 परिवार के सदस्य प्रभावित हुए हैं और इन 4 परिवारों को करीब 15 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। हालांकि प्रभावित परिवारों को राहत राशि जिला प्रशासन की ओर से प्रदान की गई, लेकिन यह राहत राशि बहुत कम है और पीड़ित परिवारों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में हम कितने सुरक्षित हैं यह एक अहम सवाल सभी के सामने है। पहाड़ों पर बने मकान कहीं ताश के पत्तों की तरह बिखर तो नहीं जाएंगे,
या यूं भी कहा जा सकता है कि पहाड़ों के सीने पर कंक्रीट का ये बोझ हमारा ही तो दिया हुआ है, तो फिर बेहतर भविष्य की कल्पना करें तो क्यों। खैर, मकान पहले भी बनते थे जो पूरी तरह से भूकंप रोधी कहे जाते थे। आखिर कैसी थी वो मकान बनाने की शैली, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश जो कि भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, आजकल हिमाचल के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। संभावनाएं यह भी जताई जा रही है कि यह भूकंप आज बेशक छोटे छोटे झटके देकर सचेत कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस भूकंप का कंपन पूरे प्रदेश में तबाही ला सकता है। प्रदेश में बने लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो सकते हैं, यानी पहाड़ियों पर बने ये घर क्या इन झटकों को सह पाएंगे, ये एक चिंतनीय विषय है जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी हो गया है। वहीं यदि बात पुरातन निर्माण की जाए तो जानकारी मिलती है कि पुराने लोग इन सभी संभावनाओं के चलते पहले से ही तैयार रहते थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राचीन काष्ठ कुणी मकानों की जो सदियों से ना जाने कितने बड़े बड़े झटके सह चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे मकानों की उम्र 300 से 400 साल से भी अधिक की है। हिमाचल में अभी भी ऐसे सैकड़ों मकान मौजूद है। इनको बनाने की कला भी काफी अद्भुत थी, या यूं कहे कि सीधी सादी थी, जिसमें लकड़ी, अनघड़े पत्थर, गारा और मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि इन काष्ठकूणी मकानों में कीलों तक का प्रयोग नहीं होता था, फिर भी इतने मजबूत कि कई सौ सालों से अभी भी मजबूती में बेमिसाल है। यही नहीं, मिट्टी और लकड़ियों से बने यह घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इसके जिस सोच ने काम किया वो आज भी काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि इन घरों के सबसे निचले वाले तल पर पशु बांधे जाते थे, जिनकी गर्मी से पूरे घर में गर्मी विद्यमान रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह घर पूरी तरह भूकंप रोधी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भूकंप से बचने के लिए काष्ठ के मकान ज्यादा सुरक्षित होते हैं। ये भूकंप का खतरा धरती से कम लेकिन इमारतों से ज्यादा है। हमें हमेशा इमारतों से ही क्षति हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे पुरानी शैली के मकान होते थे, तीन तीन चार चार मंजिला मकान, उससे हमें कोई क्षति नहीं पाती थी। 1905 तक के भूकंप के झटके सह चुके हैं ये मकान। मैं चाहती हूँ कि हमें भी ऐसे ही मकान बनाने चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें TD की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमें TD की सुविधा प्रदान करें ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और हम जो है भूकंपरोधी मकान बना सकें। वहीं आज भी ऐसे घरों में रह रहे लोग इन घरों में बसर कर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा भूकंप का झटका महसूस हो, हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं, क्योंकि यह लोग खुद को इसी घर में सुरक्षित मानते हैं। ये मकान लगभग 200 साल पुराना है। इसमें हमारे दादा परदादा, दादा वगैरह रहते थे और इन्होंने बड़ी भारी ये मेहनत से इससे उड़ाया और इससे और कोई भी भूकंप का झटका वगैरह आए इसमें कोई फर्क, आजकल के नए मकान जो है इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इन मकानों को देखकर लगता है कि सच में चकाचौंध भरी जिंदगी में बेशक सजावट तो है लेकिन खतरे भी शुमार है। वहीं यदि सूझबूझ से काम किया जाए तो इस तकनीक को हर घर में इस्तेमाल किया जा सकता है, बस जरूरत है तो एक वैज्ञानिक सोच की। हमारी इस खबर का प्रयास सिर्फ इतना मात्र है कि कम से कम इस विषय पर चिंतन जरूर करना चाहिए। के न्यूज के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।